स्टूडेंट, माय सेल्फ ऋषि छतवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। इन दिनों में हम स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स का स्कूल लेक्चरर। उसी सिलसिले में हमारा यह 14th सैम्पल पेपर है। चलिए सर, आज के क्वेश्चन देखेंगे। जो 4 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा PDF के अंदर, वो है, इन द ट्रायल बैलेंस सन्ड्री डेटर्स आर शोन एट ₹225,000, बैड डेट्स ₹25,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹5,000। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एंड 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज टू बी मेड। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वुड बी। एक लंबा क्वेश्चन है, अपन इसको आराम समझते हैं। पहले आप इसको थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस के स्ट्रक्चर में देख लीजिए। देखिए, आप जानते हैं आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है उसके अंदर चीज़ें DR और CR के फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। तो एक तो वहाँ पे आपको डेटर दिखाई देगा, डेटर आपको कहाँ दिखाई देंगे, DR साइड पे। इसके अलावा आपको बैड डेट्स दिखाई देगा, ये वो पैसा है जो डूब गया ड्यूरिंग द ईयर, वो कहाँ दिखाई देगा, वो भी आपको डेबिट साइड पे दिखाई देगा। और एक जो प्रोविज़न आपने लास्ट ईयर मेंटेन किया होगा, वो प्रोविज़न आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। ये है पोजीशन। अब ये फर्म क्या चाहती है, ये फर्म चाहती है 5% प्रोविज़न, ठीक है। यानी जो उनको नया प्रोविज़न चाहिए वो 5% चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये 2% और प्रोविज़न करना चाहते हैं। तो अपन को जो 5% प्रोविज़न बनाना है वो इस डेटर्स पे बनाना है, ठीक है। तो देखिए, 225,000 के डेटर्स हैं, है ना। इसमें से 5% अमाउंट मिलना डाउटफुल है। हमें लगता है ऐसा हमारे साथ प्रीवियस ईयर्स में हुआ होगा कि 5% के करीबन पैसा हमें नहीं मिलता, तो 5% अमाउंट मिलना डाउटफुल है। तो इतने रुपए का अपन प्रोविज़न कर लेते हैं, करीबन 11,250 रुपये निकालेंगे तो आ जाएगा, उतने रुपए का अपन प्रोविज़न कर लेते हैं। उसके बाद जो बैलेंस अपने पास बचता है, ये जो डेटर्स होते हैं इनको हम मानते हैं गुड डेटर्स, कि वो डेटर्स होते हैं जो अच्छे डेटर्स होते हैं, क्योंकि इनसे पैसा हमें मिल जाएगा। तो जो हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बनाते हैं, जिसे हम शॉर्ट में PDD कहते हैं, वो कभी पूछा जाए कि किस प्रकार के डेटर्स पे बनाया जाता है, तो वो हमेशा अच्छे डेटर्स पे बनाया जाता है। तो आपको अब इस अमाउंट का 2% निकालना है, जो करीबन 213,750 का आप निकालेंगे तो ये करीबन 4,275 रुपये आएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। गिवन ऑप्शंस में से आपका डी ऑप्शन सही है कि सर हमें इस पुराने बैड डेट्स का इसका कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और इस पुराने प्रोविज़न का भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको जो प्रोविज़न कैलकुलेट करना है, पहले आपको नए प्रोविज़न का अमाउंट लेना है, और नए प्रोविज़न का अमाउंट लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो गुड डेटर्स को रिप्रेजेंट करता है, उस पर आपको प्रोविज़न और डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है। क्वेश्चंस का मकसद यही है कि क्वेश्चन एकदम से आपके सामने आए तो आपका दिमाग कितना चलता है, ठीक है। ये टॉपिक आप कह सकते हैं फाइनल अकाउंट वाले टॉपिक में है, जहां विद एडजस्टमेंट्स होते हैं, और इसे आप प्रोविज़न एंड रिजर्व वाले टॉपिक में से भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और अपन इस तरह का करेंगे। ये आंसर आ चुका है जो प्रोविज़न पे ही बेस्ड होगा। गिवन दैट ट्रायल बैलेंस ऑन 31st March 2022 डेटर 60,000, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 4,000 एंड बैड डेट्स 1,000। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको पोजीशन लिखी हुई समझ में आ रही है कि हमारे डेटर 60,000 के हैं, पुराना प्रोविज़न या इसको बोलते हैं प्रोविज़न इन द बिगिनिंग वो 4,000 है, और जो हमारा बैड डेट्स हुआ है ड्यूरिंग 21-22 वो 1,000 रुपये का हुआ है। अभी क्या चाहते हैं, वर्ष के अंत में देनदारों पर 5% का आयोजन बनाना है। ये एक लंबा क्वेश्चन रहने वाला है, हमें 5% का प्रोविज़न करना है। इन बैड डेट्स के अलावा 500 रुपये एक डेटर से प्राप्त होने की संभावना नहीं है। दैट इज, ये तो बैड डेट्स हुआ सो हुआ, इसके अलावा 500 रुपये अभी हमें और नहीं मिलेगा। तो ये जो 60,000 के डेटर्स हैं उसमें से 500 रुपये हमें नहीं मिलेगा, बी रेडी फॉर दैट। और राम जो है वो व्यवसाय का 1,000 रुपये का लेनदार है और 1,500 रुपये का देनदार है। तो यूँ समझो कि राम एक हमारा कस्टमर है, उसको हमने माल बेचा 1,500 का और उससे हमने माल खरीदा 1,000 रुपये का, तो हम उसके ऊपर 1,500 मांगते हैं, वो हमारे ऊपर 1,000 रुपये मांगता है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं म्यूचुअल डेट, ऐसी स्थिति को म्यूचुअल डेट बोलते हैं, पारस्परिक ऋण बोलते हैं। तो आपको समझो 1,000 रुपये तो आपके पास आ रखे हैं, तो आपको 1,000 रुपये कैंसिल कर देने हैं, ठीक है। म्यूचुअल डेट के केस में हमेशा छोटा अमाउंट कैंसिल हो जाता है, क्रेडिटर्स में से भी और डेटर में से भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा 500 रुपये का माल आपने पसंदगी पर बेचा है, पसंदगी पर बेचा है मतलब जिसका कन्फर्मेशन नहीं आया है, यहाँ लिखा है जिसका कोई अनुमोदन नहीं मिला है,
इसका मतलब यह है कि हमने किसी को माल बेचा, उसे हमने अपना डेटर समझ लिया, लेकिन उसने अभी कंफर्म तो हाँ भरी नहीं है, तो वो भी हमारा डेटर नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कहने को आपके डेटर्स जो बुक वैल्यू है वो 60,000 है, और 60,000 में से 500 रुपये तो आपके पास आएगा ही नहीं। 1,000 रुपये म्यूचुअल डेट के चलते ऑलरेडी जमा है, और 500 रुपये तो वो कभी आपका डेटर बना ही नहीं है। तो मतलब आपके जो डेटर्स हैं वो 58,000 हैं, जो आप प्रोविज़न क्रिएट करेंगे वो 58,000 पे करेंगे। तो अगर ये पूछता है कि बताओ आप नया प्रोविज़न कितना बनाएंगे, तो आप नया प्रोविज़न बनाएंगे 2,900 का, ठीक है, अगर ये यूँ पूछता तो। लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है कि बताइए कि आप प्रॉफिट एंड लॉस खाते पे कितना चार्ज करोगे। तो इसके लिए फिर आपको बकायदा पीबीडी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रोविज़न अकाउंट में पहले अपन पुराना फिगर लिखेंगे, जो आपके पास पुराना प्रोविज़न है वो है 4,000 रुपये का, और जो आपका बैड डेट्स हुआ है वो बैड डेट्स आपका माना जाएगा 1,500 रुपये का, और जो आप नया प्रोविज़न मेंटेन करना चाहते हो वो है 2,900 रुपये का, ठीक है। जो आप नया प्रोविज़न बनाएंगे दैट इज़ फॉर 2,900। तो आपकी जो इधर की टोटल है वो हो रही है 4,400, और आपके पास ये जो गैप बचेगा वो बचेगा 400 रुपये। मैं इसको और भी दूसरे तरीके समझाता हूँ। देखिए, इस साल आपका 1,000 रुपये का बैड डेट्स हुआ, हाँ सर। 500 रुपये का और बैड डेट्स हुआ, हाँ सर। इसके अलावा खबर ये आ रही है कि 2,900 डूबेगा, हाँ सर। तो आपका जो टोटल बैड डेट्स हुआ, इन समरी, आपका जो टोटल बैड डेट्स हुआ वो हुआ 4,400 का, और आपके पास जो प्रोविज़न है वो है केवल 4,000 का। तो आपको 400 रुपये का प्रोविज़न प्रॉफिट एंड लॉस खाते से लेना होगा। तो आपको 400 रुपये आपका प्रोविज़न मतलब कम पड़ गया, शॉर्टफॉल हो गया। या फिर बता दूँ, आपका जो टोटल नुकसान है वो 4,400 का है, जबकि आपकी जो तैयारी थी वो 4,000 की थी। 400 रुपये का जो शॉर्टफॉल है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन रहने वाला है, थोड़ा टफ क्वेश्चन था बाय द वे, यही इसका आंसर है, ठीक है। 26th नंबर पे जब आप पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसके अंदर ये जो 10 क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ, ये 10 के 10 क्वेश्चन वहाँ गिवन है। आप चाहें तो डायरेक्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आप मेन सैम्पल पेपर जो भी स्टूडेंट परचेज करेंगे उनको ये 26th नंबर पे क्वेश्चन मिलेगा। राम मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स इन 5:3:2, ये तीन पार्टनर हैं। फर्म टुक सेपरेट लाइफ पॉलिसीज फॉर द पार्टनर्स ₹50,000, 1 लाख एंड 1,50,000, ठीक है। तो देखिए, दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी और एक होती है सेपरेट लाइफ पॉलिसी। तो हमने तीनों की लाइफ के लिए, तीनों में नाम है राम मोहन और सोहन, इनके लिए हमने अलग अलग पॉलिसीज ली है। सरेंडर वैल्यू इज 20% ऑफ ईच पॉलिसी। अगर हम इन पॉलिसीज़ को सरेंडर करते हैं तो हमें 20% मिलेगा, जितनी भी कहें पॉलिसी की कीमत है उसका 20% हमें मिलेगा अगर हम पॉलिसी को बीच में छोड़ देते हैं, सरेंडर करते हैं तो। ऑन मोहनस डेथ, गौर कीजिएगा, यहाँ पे मोहन की डेथ हुई है, मोहन की डेथ पे हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू मोहनस अकाउंट रिगार्डिंग पॉलिसी। तो अब क्वेश्चन आप समझिए, इस क्वेश्चन में मोहन की डेथ हो गई है, तो पहली बात तो मैं यहाँ कहूँगा कि जैसे ही मोहन की डेथ हो जाएगी तो इसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में अगर तीन पार्टनर है, राम मोहन और सोहन, तो ये जो पहली वाली पॉलिसी है वो तो राम की है, दूसरी वाली पॉलिसी मोहन की है, ये वाली पॉलिसी आपकी मैच्योर हो जाएगी। तो 1,00,000 रुपये तो समझो ये आपको मिलेगा, और राम अभी जीवित है और सोहन अभी जीवित है, तो इनकी पॉलिसी जो जिंदा हैं, जीवित हैं, उनका सरेंडर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो जैसे राम है, तो राम की पॉलिसी कितने की है, 50,000 की। तो 50,000 का सरेंडर वैल्यू कितना हुआ, 50,000 का सरेंडर वैल्यू हुआ 10,000 रुपये। कैसे, 20% निकाला मैंने ना, 20% सरेंडर वैल्यू है ना। तो 50,000 की पॉलिसी को सरेंडर करते, करेंगे या नहीं करेंगे वो छोड़ दो, सरेंडर करते तो कितना मिलता, 10,000। और जो सोहन है, जो लास्ट वाला बंदा है, उसकी पॉलिसी को सरेंडर करते तो कितना मिलता, 30,000 मिलता। यानी मोहन की तो डेथ हो गई तो उसकी पॉलिसी का तो पूरा पैसा मिलेगा, यानी इसको बोलते हैं जो मृतक साझेदार होता है उसकी पॉलिसी की पूरी राशि प्राप्त होती है, और जो जीवित साझेदार होते हैं, जो जीवित साझेदार होते हैं उनकी पॉलिसी से आपको केवल सरेंडर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको टोटल जो पैसा एक तरह से मिलेगा या जिसका एडजस्टमेंट होगा वो है 1,40,000, और जो मोहन है उसका अनुपात है 3/10, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 42,000, ठीक है। तो 42,000 यानी क्वेश्चन में यही पूछा था कि बताओ मोहन के खाते में कितने अमाउंट का एडजस्टमेंट होगा, तो आपको 42,000 का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है सर, आंसर रहा। और जस्ट कुछ क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो आप जैसे एक सैम्पल पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्वियस ही बात है 150-150 क्वेश्चन तो ना करा सकते हैं ना हो पाते हैं, तो उसमें से कुछ एक रैंडमली सेलेक्ट कर दिया जिसमें कुछ समझाने जैसा है तो मैं समझा रहा हूँ, और बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सैम्पल पेपर्स में गिवन है, ठीक है। 38th क्वेश्चन मिलेगा आपको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर, तो एक अलीप वर्ष, तो पहले आप ये समझिए कि जो लीप ईयर होता है उस लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, तो ऑर्डिनरी तो हम जानते हैं कि 365 दिन होते हैं, और कोई कोई वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें चार का भाग पूरा जाता है, जैसे सन 2000, 2004, 2008, 2012, ये ऐसे ईयर होते हैं जो लीप ईयर होते हैं, ठीक है। अब बात क्या है कि क्वेश्चन समझिए कि आपको ये चेक करना है कि क्या 53 संडे आ सकते हैं एक ऐसा साल, एक ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन हों, वहाँ पे 53 संडे आ सकते हैं क्या, तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे और 52 संडे, ये तो आते ही हैं एक साल में, ये सब तो होते ही हैं, इन सब में आपके 364 दिन ख़त्म हो जाते हैं, तो अब आपके पास बचता है 365वां दिन, वो 365वां दिन संडे हो भी सकता है और वो संडे नहीं भी हो सकता है, संडे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/7, ठीक है। तो जनरली बच्चा ऐसा क्वेश्चन देखता है, स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन देखता है, जिनकी प्रैक्टिस होती है उनको देखते ही पता होता है इसका आंसर 1/7 आएगा, लेकिन अब आप तो को देखो ऑप्शन कैसे दे रखें, तो अब आपको 1/7 को समझना पड़ेगा, जैसे 7 से डिवाइड करके, वही बच्चों वाली बात है, ठीक है, ये पहले पॉइंट आ गई, यहाँ 0 ले लिया, 7 + 7 हो गया, और यहाँ पे फिर 3 हो गया, 30 हो गया, तो 7 + 4 = 28, उसके बाद 20 हो गया, तो 7 × 2 = 24, 7 × 2 = 14, और इसके बाद आपका 60 बचेगा, तो 7 × 8 = 56, तो 0.1428 समथिंग आएगा, 0.1428 समथिंग आएगा, तो उसका आंसर सी आने वाला है, पूरा करेंगे 1/7 को, तो लाइक 0.1428 समथिंग वैल्यू आएगी, एंड दिस विल गोज बियॉन्ड, तो पीछे की तरफ नहीं आएगा, इनमें से जो गिवन ऑप्शन है उसमें ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0.1429 इसका आंसर रहने वाला है। जस्ट ये क्वेश्चन इसलिए था कि कभी कभी देखो ऑप्शन ऐसे पॉइंट्स में आ जाते हैं, जनरली प्रॉबिबिलिटी का क्वेश्चन फ्रैक्शन में आंसर होता है, बट मैंने कहा ना एग्जामिनर है, मूड है, जैसा चाहे क्वेश्चन को जहाँ से घुमा देगा, और अपन उसके लिए तैयार हैं या नहीं यही आप चेक कर रहे हैं जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो अपन यही देख रहे हैं, ठीक। 44th क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट ओपनिंग डेटर्स, अब आपको इस क्वेश्चन में प्रारंभिक देनदार ज्ञात करने हैं, देखें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको कुल विक्रय दे रखा है 3 लाख का, नकद विक्रय दे रखा है 60%, अंतिम देनदार दे रखे हैं 25,000, और औसत संग्रह अवधि 2 महीना दे रखी है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन सुनने से क्या होगा, देखने से क्या होगा, देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है इसमें आपको डेटर्स की राशि निकालनी है, तो डेटर्स की राशि निकालने का एक तरीका होता है कि हम डेटर्स अकाउंट बनाएं, ठीक है, और ये क्वेश्चन में आपको औसत संग्रह अवधि दे रखी है, तो ये क्वेश्चन रेशो वाली साइड से होगा, ये क्वेश्चन अभी आप जब बनाना शुरू करेंगे तो डेटर्स अकाउंट बना के सॉल्व नहीं होगा, तो यही होता है प्रैक्टिस से कर करके अपने को आइडिया हो जाता है, क्वेश्चन को अपन देखते ही समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा इसमें कलेक्शन पीरियड दे रखा है, तो अब आप समझिए कि अगर हम डेटर से कलेक्शन जो करते हैं वो 2 महीने में करते हैं, तो आप समझिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमारा जो डेटर टर्नओवर रेशो आएगा ना वो आपका 6 आएगा, अगर क्वेश्चन में कलेक्शन पीरियड 2 महीना है तो आप मान के चलिए कि आपका डेटर टर्नओवर रेशो 6 है। अब अपन ये याद करो कि डेटर टर्नओवर रेशो कैसे बनता है, तो डेटर टर्नओवर रेशो के लिए आपको ऊपर तो रखना पड़ता है आपकी जो क्रेडिट सेल होती है वो, ऊपर तो अपनी क्रेडिट सेल रखनी होती है, और नीचे आपको अपने जो एवरेज डेटर होते हैं जिनको रिसीवेबल भी बोलते हैं, एवरेज डेटर रखने होते हैं, ठीक है। अगर अपन वैल्यूज को पुट करें तो डेटर टर्नओवर रेशियो की जगह तो 6 आ गया, ठीक है। क्रेडिट सेल 3 लाख की सेल में से
3 लाख की सेल में से 60% सेल तो कैश पे है और बाकी 40% सेल उधार हो गई, तो आपका जो 3 लाख है उस 3 लाख का 40% हो जाएगा 1,20,000। आई रिपीट, आपकी 3 लाख की सेल है उसमें से 60% 180 की सेल तो कैश पे है और फॉर्मूले के लिए अपने को क्रेडिट सेल चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज का जो फिगर है वो मिसिंग है, ठीक है। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज समझो इस तरफ आ जाएगा और जो 6 है वो इस तरफ नीचे आ जाएगा। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20,000 रुपया, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मेरे पास एवरेज डेटर आ गया है। अब अपन ये जानते हैं कि एवरेज कैसे बनता है, ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज बनता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन समझ ही गए, एवरेज की फिगर 20,000 रुपये गिवन है, ओपनिंग की फिगर मिसिंग है और क्लोजिंग की फिगर आपको 25,000 रुपये गिवन है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 को 2 से तो यहाँ 40,000 आएगा और 40,000, अच्छा ओपनिंग, ये ओपनिंग फिगर है ना, 40,000 बराबर ओपनिंग प्लस 25K 25,000, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट 15,000। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो ओपनिंग डेटर हैं वो 15,000 रहे होंगे। एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, स्टूडेंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताना आना चाहिए। तो ठीक है, क्या क्या रहा इस क्वेश्चन के अंदर, पहले कलेक्शन पीरियड गिवन था, तो कलेक्शन पीरियड से हमने डेटा टर्नओवर रेशो को समझा, डेटा टर्नओवर रेशो से हमें एवरेज डेटर समझ में आ गए और फॉर्मूले को इधर से उधर करके आपको अपने ओपनिंग डेटर भी पता चल जाएंगे। 15,000 रुपये इसका आंसर रहने वाला है, ई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इज कंप्यूटेड एज, कुछ ऑप्शंस हैं, आप पहचानिएगा कि ROI का सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है नेट प्रॉफिट रेशियो इंटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो इंटू शेयर होल्डर्स फंड, तीसरा है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल और चौथा है कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहचानिए कौन सा फॉर्मूला है, आंसर ए रहने वाला है, ROI का ये फॉर्मूला होता है। अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं सर, ROI का तो ये फॉर्मूला होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए एक तो हमें देखना होता है PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, और अपॉन में अपने को रखना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये बात वैसे सही है आपकी, ROI का फॉर्मूला जिसको अपन ROCE का फॉर्मूला भी बोलते हैं, तो इसका वैसे फॉर्मूला होता है PBIT, यानी ऊपर तो आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अपॉन आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, नेट प्रॉफिट रेशो क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ठीक है होता है, हाँ। और कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या होता है, मुश्किल फॉर्मूला है कैपिटल टर्नओवर रेशो, इसमें ऊपर आपका आ जाता है सेल और नीचे आ जाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिएगा नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ये वाला और कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है ये वाला, इसमें क्या होगा सेल से सेल कट हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा नेट प्रॉफिट, हालांकि PBIT अलग चीज़ होता है और नेट प्रॉफिट अलग चीज़ होता है, पर ये लगभग लगभग बराबर माने जाते हैं, ठीक है, ये लगभग लगभग बराबर माने जाते हैं। बेटर होता कि यहाँ कैपिटल टर्नओवर रेशियो की जगह एक वर्ड होता है एसेट टर्नओवर रेशियो, वो होता, हालांकि अगर ये ऑप्शन में नहीं गिवन आया, अगर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई कैपिटल टर्नओवर रेशियो आया तो आप इसको भी टिक करेंगे, वैसे इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर होता है नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई असेट टर्नओवर रेशियो, उसमें तो ये 100% जस्टिफाइड होता है, ठीक है। तो आप ये देखिए, कई बार आप सोचेंगे मैं फॉर्मूला तैयार करके चला गया, ROI का फॉर्मूला तो मुझे आता है, तो देखो एग्ज़ाम में यूँ घुमा देगा, और एंड ऑफ द डे मैं बार बार वीडियो को डिस्टर्ब कर रहा हूँ चलते हुए क्वेश्चनों को, लेकिन मकसद वही है ना, मकसद ये है कि आप एक अच्छी तैयारी करें, ठीक है। तो आप देखिए पर्पज़ ये है कि आपका ये एरिया तैयार है या नहीं, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप ये चीज़ देख के गए थे या नहीं, अगर नहीं तो अब देख लीजिए, जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाता तब तक आपके पास पूरा समय होता है, तो आप जितनी तैयारी कर सकते हैं तो अपनी तैयारी की बेहतरी के लिए ये क्वेश्चन कीजिए। तो मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक है, ऐसा होता है कुछ मजाक मस्ती के वीडियोज़ होने चाहिए वगैरह वगैरह, बट मेरा वो पर्पज़ ही नहीं है, मेरा तो ये है कि मैं आपकी तैयारी को परखूँ, आपकी तैयारी को देखूँ, और परखूँ भी क्या, मतलब ये चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को खुद से देखें कि हम कहीं उसमें तो नहीं है कि हाँ हमें आता है और हम एग्ज़ाम में जाएं और वहाँ जाके गड़बड़ हो जाए, तो ऐसा कुछ ना हो, जस्ट उसके लिए ये क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो जाता है,
और इसका आंसर जैसे मैंने बताया फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप ये मार्केटिंग क्लिप देखते होंगे, और मैं एक बात आपको इन जनरल बताता हूँ कि कई बार जो इसका प्राइस है जो मात्र 249 रुपीज़ है, उसको देख के लाइक लोगों को लाइक ये लगता है कि नहीं नहीं इतना सस्ता नहीं होगा या फ्रॉड होगा, या लाइक 249 के अंदर 50 सैम्पल पेपर या 7,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन देता है। बट ये बिल्कुल जेन्युइन है। आप जो अगर हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मात्र इतनी कम कीमत पे ही ये पूरे 7,500 MCQ अवेलेबल है, और ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, यानी हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आप किसी भी भाषा से आते हो, किसी भी बोर्ड से आते हो, आपको कोई दिक्कत इसके अंदर आने वाली नहीं है। इसके अलावा जो पैटर्न है हमारे यहाँ जो RPSC फर्स्ट ग्रेड होता है, तो उसके अंदर सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन है, इसके अलावा 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के भी पूछे जाते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के। तो वो आखिरी के 30 क्वेश्चन वो भी रखे हैं जो एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हैं। इसके अलावा एक मैं आपको थोड़ी सी बात और बता रहा था कि अब हमने इसके अंदर नोट्स भी देना शुरू कर दिया है, जो सैम्पल पेपर्स तो हैं ही हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री अब हम हर चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड कर रहे हैं, जैसे कॉस्टिंग का हुआ, स्टैटिस्टिक हुआ, ऑडिट हुआ, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं मानता हूँ लगभग 50 से 60 टॉपिक होते हैं, तो एक एक करके हम उनके नोट्स भी अपलोड कर रहे हैं, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो थोड़े बहुत नोट्स से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, और मेन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है या नहीं है वो आपको इन क्वेश्चनों को लगा के मिलेगा। दबा के क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए और जॉब पाइए। एक और बात, नॉट ओनली ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान के लोगों के लिए रेलिवेंट है, अगर आप किसी भी स्टेट में अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक होते हैं, 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे कम या ज़्यादा, पर मोर लेस यही टॉपिक हुआ करते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसके जो कवर नहीं होता है तो आप मुझे ये व्हाट्सएप नंबर आता है बार बार स्क्रीन पे, आप उस पे व्हाट्सएप कर दिया करो। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप वो मुझे भेज दिया करो, मैं समय रहते ही उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। और बाकी ये क्वेश्चंस, एक और जनरल क्वेरी रहती है कि सर इसका PDF मिल जाएगा क्या, तो सर PDF नहीं मिलेगा, आपको ऐप के अंदर ही ये क्वेश्चंस देखने होंगे, वहीं पे आपको ये क्वेश्चन लगाने होंगे, और जितनी बार आप क्वेश्चंस करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन PDF के तरह सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं हो। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि वॉट इज स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR क्या होता है। कई बार हम बैंकों के बारे में पढ़ते हैं, खास करके RBI का जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसमें हम मौद्रिक नीति और इस तरह की बातें समझते हैं ना, वैसे नीतियाँ होती है मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, और ये भी हमें पता है कि मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी को RBI हैंडल करता है। वहाँ पे बहुत बार एज अ टूल CRR और SLR के बारे में आता है कि बैंक के पास जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं उसमें वो CRR और SLR के साथ गेम खेलता है। तो अब SLR बेसिकली क्या होता है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स अगेंस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट, बैंक ने कितने डिपॉजिट्स आए और कितने इन्वेस्टमेंट किए उनका रेशियो, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द बैंक विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड एंड सिक्योरिटी, वो पैसा जो बैंक ने RBI के पास कैश और गोल्ड के रूप में जमा कराया है वो पैसा SLR को बताएगा, अमाउंट दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर, वो पैसा जो वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को उधार देने से पहले अपने पास मेंटेन करते हैं। तो बिल्कुल यही इसका सही आंसर है। चौथे ऑप्शन को पहले देख लीजिए, अमाउंट दैट कमर्शियल बैंक डिपॉजिट विद द फॉरेन बैंक, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। देखिए SLR जैसे अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसकी रेट 18% चल रही है, ठीक है, 2022 में इसकी रेट 18% चल रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर बैंक के पास पब्लिक ने 100 रुपये जमा कराए हैं तो 100 रुपये में से बैंक 18 रुपये अपने पास मेंटेन करेगा, RBI के पास जमा नहीं कराएगा। RBI के पास जो जमा होता है वो तो कैश रिजर्व रेशियो में आता है जो बैंक अपने पास रखता है, लेकिन उसे 18 रुपये अपने पास लिक्विड के फॉर्म में या तरल रूप में रखने होंगे, और बाकी 82 रुपये ही अगर उसे उधार देनी है कस्टमर्स को तो वो बाकी 82 रुपये ही उधार दे सकता है। ये 18 रुपये उसे अपने पास कैश के तौर पे, गोल्ड के रूप में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रूप में या जो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं जो RBI से अप्रूव्ड हों
उनमें रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 18 रुपये, मैं ये फिर कह रहा हूँ कि 18 रुपये आपको RBI के पास नहीं रखने, क्योंकि आप देखो होगा क्या ना, कुछ बच्चे जो मान लीजिए कम पढ़ाई करके जाते हैं, वो गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट बॉन्ड देखते ही इस ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। नहीं नहीं, आपको ये सब अपने पास रखना है। अगर आप एक बैंक हैं तो 100 में से 18 रुपये आपको इस फॉर्मेट में, कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में अपने पास रखना है, और बाकी का 82 रुपये अगर आप पब्लिक को उधार देना चाहें तो रख सकते हैं। और इसके पीछे लॉजिक होता है कि बैंक कभी क्रैश ना कर जाए, क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कोई कोई बैंक ब्याज कमाने के लालच में जितना पैसा पब्लिक से आता है उतना का सारा उधार दे देता है। तो ऐसे में फिर बड़ा दिक्कत होता है कि अगर कोई आपका ग्राहक आपसे अपना पैसा वापस लेने आ गया तो फिर कहाँ से लाओगे, फिर बैंक को पैसा कहाँ से लाएगा। तो आपका बैंकिंग सिस्टम क्रैश नहीं हो जाए या बैंक कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए, इंसॉल्वेंट ना हो जाए, इसके लिए SLR मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर सी रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखें, सिचुएशन वेयर इज अ पर्सन डज नॉट गेट फुल एम्प्लॉयमेंट, कहता है एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है लेकिन वो किसी कार्य में लगा हुआ है जहां उसकी सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य है या नहीं के बराबर है, तो इस तरह की बेरोजगारी को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, इसने पढ़ाई कर ली, मान लीजिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी पढ़ाई कर ली, पर कई बार क्या होता है, बच्चा लापरवाही में बस पढ़ाई करने के लिए कर लेता है, कहने को वो ग्रेजुएट हो जाता है, कोई वो काबिलियत, रियल काबिलियत नहीं सीखता, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, मौज मस्ती में निकाल देता है टाइम। मान लीजिए अब वो कहने को ग्रेजुएट है, या ये तो खैर मैं अलग तरफ चला गया, मान लीजिए बंदा ग्रेजुएट है और मान लेते हैं टैलेंटेड भी है, जॉब सर्च के लिए गया पर मार्केट में जॉब ही नहीं मिल रही, ठीक है। तो अब घर वालों ने बोला कि भाई कोई नहीं, ठीक है, तो दुकान पे ही आ जा, या खेत, गांव देहात से है तो खेत में आ जा, दैट इज़ खेत पे काम करना शुरू कर दे। तो अब बंदा कहने को काम कर रहा है, वो दुकान पे जाके हाथ बटा रहा है या खेत में जाके हाथ बटा रहा है, लेकिन उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 लोग भी दुकान संभाल रहे थे और वो चौथा आ गया तो भी दुकान संभल ही रही है, तो उसकी रियल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। तो ऐसी अब किसी कोई देखेगा तो क्या लगेगा कि बंदा काम धंधे पे लगा हुआ है, बट रियल में तो वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना, तो ये बेरोजगारी कहलाती है, गुप्त बेरोजगारी, ठीक है। बहुत बार हम इसके बारे में सुनते हैं, गुप्त या प्रच्छन्न बेरोजगारी, और इस तरह से इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बाकी सारे भी बेरोजगारी के टाइप होते हैं लेकिन ये गुप्त या छुपी हुई बेरोजगारी कहलाती है, ठेठ हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चन, कहता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल असेट्स आर ऑफ 12 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी आर ऑफ 480,000। तो एक फर्म है, उसका समापन हो रहा है, 12 लाख की संपत्तियां हैं, 480 के बाह्य दायित्व हैं। इफ असेट्स रियलाइज्ड 120%, जो वसूली हुई है वो पुस्तक मूल्य के 120% पे हुई है, तो अच्छी वसूल हो गई, 100 की चीज़ के 120 वसूल हो रहे हैं। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसिस वर पेड 16,000, देन गेन और लॉस ऑन रिवेल्यूएशन विल बी, ठीक है। अब आपको रियलाइजेशन में कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ, तो जनरली जब हम छोटे होते हैं, जब पढ़ाई कराते हैं स्कूल में, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट में पहले असेट ट्रांसफ़र करते हैं, लाइब्रेरी ट्रांसफ़र करते हैं, असेट से वसूली करते हैं, लाइब्रेरी का पेमेंट करते हैं, ये सब के बाद आपको लाभ हानि पता चलता है। लेकिन आप लाभ हानि डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपकी संपत्तियाँ 12 लाख की हैं और 12 लाख से आपने 20% 12 लाख पे आपने 20% लाभ कमाया है, क्योंकि आपने 100 की चीज़ को 120 पे बेचा है, तो आपको 2,40,000 का लाभ हुआ और इस पूरे प्रोसेस में आपका 16,000 खर्चा हुआ, ठीक है। आई रिपीट, 12 लाख की चीज़ को आपने 20% के मुनाफे पे बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ 2,40,000 का और आपका खर्चा हुआ 16,000 का, तो आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2,24,000 का। तो ये गिवन ऑप्शंस में ए ऑप्शन में 2,40 लिखा हुआ है, आपका लास्ट ऑप्शन है वहाँ पे लाभ आपका 2,24,000 रुपये है, तो डी इसका आंसर रहने वाला है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो आपको बनाना आना चाहिए। तो अब वापस क्या समझ लीजिए कि रियलाइजेशन अकाउंट आपने देख रखा है कि नहीं, हाथों हाथ बात याद कीजिए कि असर ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है, लाइब्रेरी ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसिस की एंट्री क्या होती है, जो प्रॉफिट होता है उसका क्या होता है, ये सब आप याद कर लीजिए। तो जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो जस्ट
इसे क्वेश्चन ना मानिए, ये एक टॉपिक है जिसको मैंने टच करने की कोशिश की है, और आपका वो तैयार है या नहीं ये आप मेक श्योर कीजिए, ठीक है। ये बात मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, आपको बोर कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 19th, अ कोर्ट ऑर्डर फॉर री रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग विच ही प्रोमिस्ड नॉट टू डू कैन बी ऑब्टेन्ड बाई फाइलिंग अ सूट फॉर, ठीक है। किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने से रोकने के लिए अदालत का आदेश जिसे उसने न करने का वादा किया था के लिए मुकदमा दायर करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। पहले मैं आपको कहानी बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये ए पर्सन है, ये फिल्म इंडस्ट्री में नया नया है और इसने एक फिल्म साइन की और एक्स वाई जेड बैनर के तले वो पिक्चर बन रही है, और एक्स वाई जेड ने अपने अग्रीमेंट में लिखवाया कि जब तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं होगी आप कोई और नई फिल्म साइन नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ काम करना तय किया है, तो जब तक ये फिल्म पूरी नहीं हो जाती तब तक आप नई फिल्म नहीं साइन करेंगे। कुछ दिन के बाद इसको एक फिल्म यहाँ से ऑफ़र हुई, PQR बैनर से ऑफ़र हो गई, ठीक है। वहाँ से इसको अच्छी कीमत मिल रही होगी, मान लीजिए बंदा, हर कोई बंदा ग्रो करना चाहता है, तो इसने वहाँ पर हाँ भर दी। अब जैसे ही ये बात एक्स वाई जेड को पता लगेगी कि इसने यहाँ फिल्म साइन कर ली है और यहाँ पे भी ये शूटिंग करने के लिए जा रहा है, तो इसके ऊपर रोक लगवाई जा सकती है, इसे ऐसा करने से रोका जा सकता है क्योंकि इसने ऐसा न करने का वादा किया था। कहानी कनेक्ट हो रही है ना, इसे ऐसा करने से रोका जा सकता है क्योंकि इसने ऐसा न करने का वादा किया था। रोकेगा कैसे, तो आपको गुंडे भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकायदा कोर्ट में जाइए और कोर्ट से लाइए इंजंक्शन, वहाँ से आप निषेधाज्ञा ले आइए, उसको निषेध करवा दीजिए। निषेध का खतरनाक वाला मीनिंग मत सोचिएगा, तो निषेध करवा दीजिए, दैट इज़ उसे रोक दीजिए, और फिर डेफिनेटली कोर्ट उसे ऑर्डर करेगा कि चूंकि आपने अग्रीमेंट साइन किया है, चूंकि आपने ठहराव किया है, तो ये अनुबंध अधिनियम वाला क्वेश्चन है, ठीक। और ये टॉपिक कौन सा है, ये है अनुबंध भंग के उपचार। तो जब रेमेडीज़ होती हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो आप ब्रीच करने वाले बंदे को इंजंक्शन लगवा के, निषेधाज्ञा लगवा के रुकवा सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी उपाय होते हैं, जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम कोर्ट को ये कहते हैं कि इस बंदे को बोलो कि जैसा उसने प्रॉमिस किया था वैसा वो पूरा करे। तो कोर्ट कुछ मामलों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी ऑर्डर करता है। क्वांटम मरीज भी होता है, उसमें जितना मेहनत किया है उतना प्रोपोर्शनेट वेजेस निकाला जाता है। तो ये कई तरह के उपाय हैं, बट बाय द वे अभी के लिए इंजंक्शन आपका बिल्कुल सही है, आप कोर्ट से जाके इस तरह का ऑर्डर ला सकते हैं। होप वीडियो हमेशा की तरह यूज़फुल लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए। डेफिनेट से बात है कि लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो हौसला तो बढ़ता ही है। हालांकि मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा ही बनूंगा इन एवरी केस, ठीक है। और आपका प्यार मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो स्कूल लेक्चरर के लिए अभी ये वीडियो सीरीज़ जारी है, और आने वाले भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आएगी। थैंक यू वेरी मच।